कम्युनिस्टों को कौमी बोलते हैं, आम आदमी पार्टी को आपिए बोलते हैं, कांग्रेस को कांग्रेसी बोलते हैं, नेहरू को तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि ज्यादातर इस देश के जो नेता हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पिताजी नेहरू जी ही थे। आपके पास ये व्हाट्सएप मैसेज आता होगा, मेरे लिए तो बहुत अद्भुत है ये। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी इनकी पार्टी शुरू ही हुई है ना, पहली बार फुल फ्लेज जीत करके आए हैं, 3 साल ही तो सरकार चलाए हैं, और 3 साल के भीतर मैं दावे के साथ कह रहा हूं मौजूदा प्रधानमंत्री का जितना मजाक बना है इतिहास में किसी प्रधानमंत्री का नहीं बना, इतिहास में किसी का नहीं बना होगा। और कब से कोशिश कर रहे हैं तमाम महान लोगों को बदनाम करने का, तमाम लोगों को, कम्युनिस्टों को कौमी बोलते हैं, आम आदमी पार्टी को आपिए बोलते हैं, कांग्रेस को कांग्रेसी बोलते हैं, नेहरू को तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि ज्यादातर इस देश के जो नेता हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पिताजी नेहरू जी ही थे। आपके पास ये व्हाट्सएप मैसेज आता होगा, मेरे लिए तो बहुत अद्भुत है ये, कैसा कैसे हो सकता है। खैर होता होगा, क्योंकि संघ परिवार जब बिना विवाह का इतना बड़ा परिवार बना लिया है, ये हुनर शायद उनको मालूम होगा, हम लोगों को नहीं मालूम है। तो ये हमेशा बदनाम करते रहते हैं लोग, बदनाम क्यों करते हैं, ताकि लोग इनके ऊपर सवाल नहीं खड़ा करें। कई बार तो ऐसा होता है कि मोदी जी भूल जाते हैं कि वो अब अपोजिशन के नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और जाकर के कहते हैं कि इस देश में बिजली नहीं आई, इस देश में जो है अमुक काम नहीं हुआ, इस देश में फलाना नहीं हुआ, और चुनाव प्रचार में जा करके याद ही नहीं रहता है कि उनको प्रधानमंत्री है। एकदम जो है नियमित सुबह सुबह उठ करके शाखा जाने वाला जो घोड़े का चश्मा लगाया संघ का कार्यकर्ता होता है उसकी तरह मंच पकड़ते हैं और धोने लगते हैं। कोई रुक करके उनको धीरे से कहे कि भाई साहब 3 साल हो गया, आप क्या क्या किए जरा बता दीजिए, कितना घर बनाए, 33% रिजर्वेशन जो है पार्लियामेंट में हो गया, किसान आत्महत्या रुक गई, गंगा पूरी तरह से साफ हो गई है, आप वहां जाएंगे और अपने चेहरे के ऊपर जो अंदर से जो खून चलता है ना वो भी आपको दिखाई दे देगा, इतनी गंगा साफ हो गई है। सारा वादा इन्होंने पूरा कर दिया है, और कुछ नया प्रोजेक्ट है इनका 2022 के लिए। एक तो इनकी गिनती खराब है, चुनाव 2019 में होने वाला है और सारा प्रोग्राम इनका 2022 तक का है। तो ये कार्यक्रम जो है हुए हैं, और उस कार्यक्रम की असलियत क्या है वो मैं आपसे थोड़ा कह देता हूं, और ये मैं मोदी जी के भाषणों के द्वारा ही प्राप्त ज्ञान के आधार पर बोल रहा हूं। मोदी जी ने हाथ हिला के कहा कि 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। इनका सरकारी डिपार्टमेंट कहता है कि 1,35,000 रोजगार पैदा हुआ, और डिमोनेटाइजेशन के बाद 15 लाख नौकरियां चली गई। दूसरा, महंगाई कम करेंगे। महंगाई के बारे में क्या कहना, जब भी आप जाते हैं पेट्रोल पंप पे आपको अच्छा दिन दिख जाता होगा मीटर में, प्रति लीटर अच्छा दिन आपको दिखता होगा। और घर घर बिजली पहुंच गई, और उस घर घर बिजली पहुंचने का नतीजा ये हुआ कि इस देश के 37% स्कूलों में बिजली नहीं है, क्योंकि घर में बिजली पहुंचा रहे थे तो स्कूल छूट गया था। और इनका वादा यह था कि किसान पे तो अत्याचार होगा ही नहीं, और उसका नतीजा क्या हुआ है कि 1 साल में 12,000 किसान औसतन आत्महत्या करते हैं, और जो कंपनी को इन्होंने अपने ही नाम पे, आह एक तो इनको अपने नाम से कितना प्रेम है। हो सकता है कि कल को सरकार की तरफ से ये घोषणा आए, जैसे आया है ना कि मरने के बाद भी आपको आधार बनाना पड़ेगा। कहां से बुद्धि आती है कि कोई इंसान मर जाएगा तो आधार कैसे बनवाएगा, मतलब ज्ञान की बात देखिए कितने ज्ञानी है। चलिए ज्ञान है, अब आधार कार्ड जैसे जरूरी है, कल को यह भी हो सकता है कि आपको अपने बेटे का नाम मोदी रखना पड़े। इनको अपने नाम से इतना प्रेम है, ये जो खाते हैं, ये जो पहनते हैं, ठीक है, इसीलिए तो योगी जी के नाई का इंटरव्यू किया टीवी वाले, पता है क्यों, क्योंकि कल को हो सकता है कि आपको भी बाल छिलवाना पड़े, इसलिए आपको बुद्धि होनी चाहिए कि बाल कैसे कटवाया जाता है, गंजा कैसे रहा जाता है। अरे क्या लेना देना है इस देश को भाई, क्या आप कैसे नहाते हैं, कैसे खाते हैं, कहां जाकर के बाल मुड़वाते हैं,
क्या लेना देना है इस देश को, ये सारी चीजें ही महत्वपूर्ण हो गई। तो जो कार्रवाई इन्होंने किया है उन्हीं से जो है हम डेटा प्राप्त करते हैं। आजकल इनको मतलब सीमा पे जो जवान लड़ रहे हैं उनसे गजब की मोहब्बत उमर गई है। तो हमको तो लगता है खैर मोदी जी को तो बच्चा नहीं है, बाकी जितना भाजपा नेता को बच्चा है वो सब फौज में भेजने वाला है। ऐसा ही है क्या? हमको कहता है कि तुम सेना के खिलाफ बोलते हो। हम सेना के खिलाफ नहीं बोलते हैं, सेना का सच बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरे घर से 16 लोग फौज में नौकरी करते हैं और मेरा अपना कजिन भाई जो है वो इंसर्जेंसी में सीआरपीएफ की नौकरी करते हुए मारा गया है। मैं शहीद के परिवार से आता हूं और आपके तरह मेरे भी नाना जी जो है वो स्वतंत्रता सेनानी थे। इसलिए मैं इसमें सवाल पूछता हूं। वन रैंक वन पेंशन का एक आंदोलन चल रहा है कि शहीदों का सॉरी सैनिकों का, और आज तक ये पॉलिसी लागू नहीं की गई है। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि पिछले एक साल में 310 सैनिकों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या की है, पता है क्यों? छुट्टी नहीं मिलती है, पीएफ ठीक से नहीं मिलता है, परिवार को साथ में रखने की इजाजत नहीं है, और हनुमान थप्पा का फोटो लगाते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं कोई इनसे नहीं पूछता है कि हनुमान थप्पा की जान क्यों गई। पाकिस्तान की गोली या चाइना की गोली से नहीं गया था, एवलांच में वो मारे गए, बर्फीले तूफान में मारे गए। अगर उनको एवलांच प्रूफ, अरे मोदी जी आप जब बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके घूमते हैं तो सैनिकों के लिए एवलांच प्रूफ टेंट नहीं हो सकता है? ये सवाल कोई इनसे पूछता नहीं है। जहां कहीं भी आप देख लीजिए जो भी बात ये बोलते हैं कहीं भी डिलीवरी नहीं है। आजकल कह रहे हैं स्किल इंडिया, एस साइलेंट है उसमें और किल इंडिया हो रहा है। 12,000 किसान मर गए, 310 सैनिक मर गए, स्कूलों कॉलेजों में विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं, और जो इनके ऊपर सवाल उठा रहा है उनको पुलिस गोली मार देती है। पुलिस भी क्या करेगी? पुलिस इस पेशो पेश में है और इस बात को समझ नहीं रही है कि सारा भ्रष्टाचार गृह मंत्री कर लेगा और ठेका कांस्टेबल पे डाल देगा। और वो कैसे होता है इस बात को समझना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं भ्रष्टाचार की कोई नीति नहीं होती है, नीतियों में भ्रष्टाचार होता है। और नीतियों के भ्रष्टाचार के चलते इस देश के अंदर जो गैर बराबरी पैदा होती है उस गैर बराबरी के चलते बहुत सारे लोगों को भ्रष्टाचार करना पड़ता है, भ्रष्ट होना पड़ता है। और कोई भी भ्रष्टाचार के इस सवाल पे नीचे लोअर लेवल पे जो करप्शन हो रहा है उस पे सवाल उठाता है कोई भी मुंह चल करके बोल देगा, जो ऊपर लेवल पे करप्शन होता है उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। आपके लिए जो चमचमाती सड़क बनाई जाएगी स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, सिटी स्मार्ट होगा और जो है गांव जो है वो बेकार होगा। ये संकल्पना देखिए, एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा करना। अरे देश स्मार्ट क्यों नहीं होगा? हम स्मार्ट देश बनाते हैं, स्मार्ट सिटी में क्या रखेंगे? ये इसलिए है कि असली सवालों पे कोई चर्चा नहीं हो। और नीतियों में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि दाल घोटाले में दाल क्या किया गया, खरीदा गया पूंजीपतियों के द्वारा, समझ ही गए होंगे। हैंड लेफ्ट और राइट दो ही तो है मोदी जी के पास, इधर अंबानी है इधर अदानी है, पर बीच में जो ये है। तो अदानी साहब की कंपनी ने दाल खरीदा और कंपनी भी फर्जी। दाल खरीदा देश के किसानों से 100 रुपए में, वापस सरकार को 200 रुपए में बेच दिया, और कि दाल कहीं नहीं गई, दाल यहीं घूमती रही समंदर में, वापस आकर के देश के लोगों को बेच दिया गया। और दाल आप 200 रुपए खरीद रहे हैं, ये तो महंगाई है, और उसमें 1,76,000 करोड़ का कमीशन खाया गया। कोई इस पे सवाल नहीं उठाता है। एक एक जो फ्लाईओवर बनता है, जिस फ्लाईओवर के बनने के बाद रोज आपसे टोल वसूला जाता है, उसमें जो WTO से पैसा लिया जाता है, वर्ल्ड बैंक से जो पैसा लिया जाता है, उस लोन में कमीशन खाया जाता है नेताओं के द्वारा, इस पे कोई चर्चा नहीं होती। इस पे चर्चा क्यों नहीं होती है? प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, अच्छी फैसिलिटी के नाम पे एक एक करके सरकारी चीजों को बर्बाद किया गया। मेरा तो एक सवाल है, जब स्कूल प्राइवेट, हॉस्पिटल प्राइवेट, सड़क प्राइवेट, जहां आपको हमेशा टोल देकर के आना और जाना है, तो इस देश का संसद क्यों सरकारी हो?
ये देश का प्रधानमंत्री क्यों सरकारी हो, उसका कार क्यों सरकारी, उसका सूट क्यों सरकारी हो, फिर वो भी प्राइवेट होना चाहिए। ये नहीं होगा। मंत्री जी सरकारी रहेंगे लेकिन मंत्री जी जो नीति बनाएंगे वो प्राइवेट रहेगा, और उस प्राइवेटाइजेशन के अंदर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया जाएगा, और उस भ्रष्टाचार का ठीकरा इस आम देश के लोगों के ऊपर फोड़ा जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश के अंदर शिक्षा पे 2.5% जीडीपी का और हेल्थ पे 1% खर्च किया जाता है, और ये पूरा का पूरा जो हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस है पब्लिक के पैसे से प्राइवेट अस्पतालों को चलाया जा रहा है। और तर्क क्या देते हैं कि प्राइवेट संस्थान बेहतर होता है। एक सवाल है हमारा इस सरकार से कि किसी भी एक फील्ड में जो सरकारी संस्थान है वो प्राइवेट से कमजोर हो, उसका एक उदाहरण हमको ला करके दे दीजिए। कुछ पत्रकार मित्र बैठे हुए हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं, आप ही सोचिएगा मन में कि इस देश का सबसे बेहतरीन पत्रकारिता संस्थान कौन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन सरकारी है। इस देश का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज कौन है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स है। इस देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU सरकारी है। इस देश का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT है। इस देश का बेस्ट साइंस इंस्टीट्यूट कौन है? इसरो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। ये सबका सब सरकारी है। ये भ्रम हमारे दिमाग में पैदा किया गया, और ये क्यों पैदा किया गया? ये इसलिए पैदा किया गया है, और बकायदा बीजेपी की मंत्री ने ये कहा कि सरकारी स्कूलों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि वहां कन्हैया पैदा होते हैं। कन्हैया से इतनी दिक्कत क्यों है? रोहित बेमुला से इतनी दिक्कत क्यों है? नजीब से इतनी दिक्कत क्यों है? क्योंकि हमारे बाप का नाम धीरू भाई अंबानी नहीं है। और मैं इस बात का प्रिविलेज नहीं हूं कि मां के कोख में पहुंचते ही हमारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी आ जाती है। हम इस देश की मेहनत का आवाम है जो इस देश को अपनी मेहनत से चलाते हैं, और जब हम चलाते हैं तो अपनी ही मेहनत से उन संस्थानों में पहुंचते हैं, और जब हम पहुंचते हैं तो इतिहास पढ़ते हैं। आपकी तरह इतिहास में फेल नहीं होते, और पढ़ते हैं फिर ये सवाल खड़ा करते हैं कि बिरसा मुंडा का इतिहास क्यों नहीं लिखा गया, क्यों भगत सिंह को आज भी UPSC के पेपर में आतंकवादी कह दिया जाता है, क्यों आज भी इस देश के अंदर वो तमाम लोग जो गुमनामी के अंधेरे में है उनका कोई इतिहास नहीं लिखा जा रहा है, क्यों इस देश की संस्कृति पे सही तरीके से सवाल नहीं खड़ा किया जाता है, क्यों इस देश की राजनीति अर्थव्यवस्था पे सही तरीके से संघर्ष नहीं किया जाता है। इस बात को जब हम समझते हैं तो उस पंक्ति को चरितार्थ करते हैं जिसमें यह कहा गया है, विश्वविद्यालयों के बाहर, कॉलेजों और स्कूलों के बाहर लिखा रहता है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। चिंता मत कीजिएगा, आपके सब्सिडी के पैसे से पढ़े हैं, मोदी जी के ताऊ का पैसा नहीं है। आपके हक के लिए कदम कदम पे लड़ेंगे, और इस शरीर में पहने वाले रक्त का एक कतरा तब तक बहा देंगे जब तक कि समाज के अंदर न्याय नहीं सुनिश्चित किया जाता है। इसीलिए हमारी जो विरासत है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की, हम तर्कपूर्ण तरीके से चीजों को समझना चाहते हैं, और समाज के अंदर जितने भी गैर बराबरी है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो संस्कृति के आधार पर हो, चाहे वो जाति और पहचान के आधार पर हो, या लिंग के आधार पर हो, अर्थव्यवस्था के आधार पर हो, या राजनीति के आधार पर हो, इन तमाम गैर बराबरी के खिलाफ लड़ने का हमारा कमिटमेंट है। और उसी कमिटमेंट से एनर्जी लेते हुए, आपके सहयोग और समर्थन को देखते हुए, आपको क्रांति बीज मानते हुए, यह लॉन्ग मार्च विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए आज इंदौर की इस ऐतिहासिक धरती पर है। हमारा सवाल सीधे तौर पर है कि हमको सबके लिए शिक्षा चाहिए, सबके लिए काम चाहिए, सबके लिए आत्मसम्मान चाहिए, और इस देश के अंदर जो लूट मची है हम पब्लिक सेक्टर को डिफेंड करना चाहते हैं, जो हमारा सेकुलरिज्म है, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उसको हम डिफेंड करना चाहते हैं, और उसमें हम कहना चाहते हैं कि अल्लाह ने बनाया हो या राम ने, हमको धर्म बचाने की जरूरत नहीं है, धर्म के द्वारा बनाए गए उन इंसानों को बचाने की जरूरत है जो खेत में मर रहे हैं, बॉर्डर में मर रहे हैं, फैक्ट्रियों में मर रहे हैं, घरों और दफ्तरों में मर रहे हैं, उस इंसानियत को बचाने का बीड़ा हमने उठाया।